जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की वर्तमान भर्ती के बारे में। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी 2022-23 की वर्तमान भर्ती की रिजल्ट डेट के बारे में और फाइनल कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन के आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक यहां पे आ चुके हैं, आपका मेडिकल क्वालिफाई हो चुका है। केवल एक स्टेज यानी कि स्टेज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, केवल एक लिस्ट बाकी है और उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई आपको कौन सी फोर्स मिली है, कहां पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ईश्वर करे कि आप सभी का जो सपना है वो सपना यहाँ पे जरूर पूरा हो पाए। आप सभी ने इतनी मेहनत की है कि आप पूरे भारत के टॉप 1% कैंडिडेट में सेलेक्ट होकर आए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि लगभग 50 लाख से अधिक कैंडिडेट ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और मात्र यहाँ पे 50,187 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो लगभग अभी 80-85 हजार के आसपास कैंडिडेट है मैक्स टू मैक्स जो मेडिकल में क्वालिफाई हुए हैं। तो आप भी भारत के टॉप कैंडिडेट में हैं। अगर यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप ये समझिए कि आप सफलता की दहलीज तक पहुंच चुके हैं, केवल एक कदम बढ़ाना बाकी है, इसके बाद सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं भी लगती है, क्योंकि देखो ये एकदम से ऐसे समझ लो कि बिल्कुल सच्चाई है, कटु सच्चाई है कि यहाँ पे जितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं उनमें से अधिकतम 50,187 को ही नौकरी मिल सकती है, बाकी के कैंडिडेट को बाहर होना पड़ेगा। दुख की बात है लेकिन सच्चाई है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं आनी है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर रहा हूं। और ऐसी स्टेज हमेशा आपको लाइफ में मिलेंगी, नौकरी मिलने के बाद भी ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत बार आएंगी जहां आपको असफलता मिलेगी और फिर इसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उसे अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हो। तो पहली बात सभी कैंडिडेट को बोलूंगा, जो कैंडिडेट फेल हो जाए उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे कुछ सीख लेनी है और तैयारी करनी है कि जहां आप थोड़े मेरिट में कुछ नंबर से बाहर हो रहे हैं अगली बार टॉप मेरिट लिस्ट में आए। तो ये आपका सपना होना चाहिए और ये आपका टारगेट भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट डेट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मेरिट से पहले मैं बात करूंगा रिजल्ट डेट के बारे में, तो आप सभी को बता दें कि 3 रिजल्ट रिसेंटली आपके डिक्लेयर होने थे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीएचएसएल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। नंबर सेकंड जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है आपका एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट है वो 18 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का जो पहले हम सोच रहे थे कि थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन इस भर्ती को एंड टाइम पे आप सभी को बताया कि मिशन मोड में शामिल करके ये क्लियर कर दिया कि भाई इस भर्ती में अब 1% का भी डिले नहीं होगा। तो आप इतना मानिए कि मैक्स टू मैक्स हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि इससे पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि पूरी तैयारियां इस भर्ती की हो चुकी हैं। री मेडिकल वाला कोई कॉन्सेप्ट अब है नहीं, क्योंकि साथ के साथ आपके री मेडिकल कंप्लीट हुए हैं। तो आप केवल भर्ती के लिए यहाँ पे लिस्ट बनानी है, फोर्स एलोकेट करनी है और उसके बाद आपकी जो लिस्ट होगी वो जारी हो जाएगी। तो अधिकतम आप ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि सितंबर में आपके ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना है और अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेन चीज आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि आपको रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मेरिट कितनी जाने वाली है, सर ये बता दीजिए। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इनिशियल स्टेज में उन चीजों को एनालाइसिस करना बहुत इजी होता है, जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारी चीजों को कंक्लूजन निकाला जा सकता है, आपका डेटा वगैरह कलेक्ट करके भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि इतनी मेरिट जाएगी। देखो अब सिंपल सी बात है कि अगर जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी मेरिट बढ़ेगी, इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपको कोई बोले कि 0.25 नंबर आपकी जाएगी, भाई हो सकता है इतनी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपकी नंबर वैकेंसी है वो स्टेट है। अब स्टेट बाय स्टेट यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी बनेगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कुछ स्टेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है और कुछ स्टेट की जो कट ऑफ है वो ज्यादा भी इंक्रीज हो सकती है। फाइनल शब्दों में अगर मैं आप सभी को बताऊं कि ये एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी जो कट ऑफ है आपके स्टेट की आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो फिलहाल आप फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन भाई हो जाएगा अगर आपने मेहनत की है और
इस बात में कोई संदेह भी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद ही कोई कैंडिडेट इस स्टेज तक आ सकता है। बाकी का अपने ऊपर भरोसा रखिए और बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं कि आप सभी का रिजल्ट इस बार पॉजिटिव आएगा और आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो सपना है वर्दी का वो जरूर से पूरा हो पाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस बार की दिवाली आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली होगी, क्योंकि जब आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आप दिवाली को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाएंगे। बाकी का कट ऑफ के बारे में अब ज्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और उसका कोई बेनिफिट है नहीं। मुश्किल से मुश्किल आप ये मानिए 20-25 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है। इसके बाद सबके सामने सब कुछ आ जाएगा कि मेरिट कितने नंबर इंक्रीज हो रही है, कितने नंबर डिक्रीज हो रही है, वो सारी चीजें आपको खुद से पता चल जाएंगी। सभी बच्चे समझदार हैं, यहां तक सभी बच्चे आए हैं तो निश्चित तौर पर वो इतनी योग्यता रखते हैं कि सारी चीजों को भली भांति समझ सकते हैं। तो बिना बात के गुमराह करने से बेहतर है कि मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि मेरिट के बारे में कोई भी एनालिसिस वगैरह काम नहीं करेगा, तो इसके कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना भी नहीं है। सारी चीजें छोड़ के सिर्फ सही सोचिए और सही डायरेक्शन में सोचिए तो रिजल्ट भी इसका अच्छा होगा। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि 2024 में भी आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद है कि 2023 के अंत तक ये वैकेंसी आ सकती है, तो अगर आपको आपकी जो चॉइस वाली फोर्स है वो नहीं मिलती है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी के जो बच्चे असफल होते हैं वो असफलता से को सीखते हुए 2023-24 की न्यू वैकेंसी के लिए जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक मिल जाती है चक्सु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को बता देंगे इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों आप सभी को मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप SSC GD 2023-24 की आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।